नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गर्ग। तो शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों से। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि सूरत की सुंदरता को देखकर वह बहुत खुश हैं। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें जानकर खुशी हुई कि सूरत का कपड़ा उद्योग 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को राज्यपाल के आगमन की सूचना मिलने पर सूरत टेक्सटाइल मार्केट एवं ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में उनका कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन शाम 4:30 बजे मनपा आयुक्त के साथ कपड़ा कारोबारियों की संपन्न हुई बैठक में एसटीएम का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया एवं सिर्फ ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में उनका कार्यक्रम तय हुआ। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत निजी कार्यक्रम में सूरत आए थे एवं कपड़ा बाजार देखने की उनकी मंशा उन्हें ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट तक खींच लाई। आनन फानन के में सहारा दरवाजा स्थित ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में उनके स्वागत में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीमित संख्या में जुटे कपड़ा व्यापारियों, फोस्टा एवं SGTTA के पदाधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। अपने सम्मान में अभिभूत राज्यपाल ने कहा कि वह एक निजी कार्यक्रम के सिलसिले में सूरत आए थे और कपड़ा बाजार देखने की उनकी इच्छा थी। उन्होंने कहा कि वह यह जानकर काफी खुश हैं कि ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट जैसे 170 टेक्सटाइल मार्केट और भी हैं। उन्होंने कहा कि सूरत की सुंदरता के वह कायल हो गए हैं और जहाँ भी वह जाएंगे यहाँ की तारीफ जरूर करेंगे। वर्ल्ड क्लास मार्केट जिसका मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। अभी माननीय हर्षित भाई ने जो आपकी दिशा यहाँ की जानकारी दी है और मुझे जानकारी की ऐसी ऐसी सूरत में और भी मार्केट है, तो इससे सिद्ध होता है, मैं पढ़ता रहा हूँ कि इस समय सूरत का भी एक स्थान है। इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया में पहले 10वें स्थान में आप लोगों के परिश्रम ने, आपकी मेहनत ने, आपके बुद्धि कौशल ने, आपके समर्पण ने इस नगर को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा दिला दी है। इसके लिए आप सब भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत ऊंची सोच के साथ चलते हैं और आज इस देश को जिस गति से विश्व में नंबर एक का देश बनाने का उनका चिंतन है, तो इस आत्मनिर्भर भारत की मजबूती सूरत का अपना एक योगदान रहने वाला है, ऐसा भी आपके बीच में। मैं आप सब भाइयों को इसलिए भी बधाई देता हूँ, हर्षित भाई ने बताया कि अकेला सूरत लगभग 15-20 लाख ऐसे रोजगार प्रस्तुत कर रहा है कि जो अनेक गरीब परिवारों में दिए जलाने का काम कर रहा है। और आप जिस गति से और बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लाखों परिवारों को रोजगार आपके मेहनत और सोच से मिलने वाला है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बल मिला कि हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सूरत ने इस सूरत नगर की सूरत ही आप लोगों ने बदल दी है, तो इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अब मैं आपका प्रचारक बन जाऊंगा पूरे देश के लिए, क्योंकि मैं अनेक फील्ड में काम करता हूँ। मेरा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बहुत पुराना जुड़ा है। मैं युवाओं में से नशा मुक्ति के अभियान में काम करता रहा हूँ। मैं जो भारत की युवा पीढ़ी है इसके निर्माण में हरियाणा प्रदेश में मेरे 4 गुरुकुल चलते, गुरुकुल जिनमें भावी पीढ़ी के बालकों का निर्माण होता है। जो सुबोध सिंह भी जैसे लोग, ललित शाह और भाई मनोज अग्रवाल जैसे लोग आपके
टीम के साथ मिलकर इतनी योजना से भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध कर रहे हैं, भारत की जीएसटी में इतना बड़ा योगदान कर रहे हैं, भारत को एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबके प्रति शुभकामनाएं देता हूँ। आप भले भूले, आप खूब उन्नति करें, आप स्वस्थ और निरोग हो और इस राष्ट्र को महान बनाने में आपका योगदान बना रहे, क्योंकि मैं तो स्वाभाविक रूप से घूमने के लिए आया था। आप लोगों ने इतनी सुंदर व्यवस्था और जो सम्मान ग्लोबल मार्केट में मुझे दिया गया है, मैं इसे भुला नहीं पाऊंगा, स्मरण रखूंगा, आपका आभार प्रकट करता हूं। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो हम मिलकर के इस देश और राष्ट्र को आगे बढ़ा पाए, हर समय आपके लिए मैं तत्पर रहूंगा और इसके लिए मैं सौभाग्य अनुभव करूंगा। मैं चंपालाल बोथरा, महामंत्री फेडरेशन ऑफ सूरत रक्षा ट्रेडर्स एसोसिएशन फोस्टा सूरत। आज माननीय गुजरात राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी सूरत कपड़ा मार्केट को देखने की इच्छा जाहिर करते हुए ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में आज पधारे थे। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट और फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उनके इस मार्केट विजिट को लेकर के मार्केट में विजिट करने के बाद में उनका मान सम्मान सत्कार सभी मार्केट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरियों से करवाया। साथ ही कपड़ा बाज़ार का विजिट करने के साथ साथ उनसे कपड़ा बाज़ार को विश्व में सिरमौर बनाने के लिए फोस्टा ने उनसे आग्रह किया कि यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट हब तथा रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह जो आधुनिक सुविधाओं के साथ अगर यहाँ सूरत को दिया जाता है तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में सूरत विश्व में एक्सपोर्ट के साथ साथ घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट दोनों में सिरमौर स्थान प्राप्त करेगा तथा साथ ही अगर गारमेंट हब मिलता है तो वियतनाम, बांग्लादेश के सामने विश्व में एक्सपोर्ट करने के साथ वो नंबर वन बन सकता है। ऐसी डिमांड भी हमने आचार्य श्री देवव्रत जी को माननीय गवर्नर श्री के सामने रखी है। तो मैं मानता हूँ कि अगर इनका ध्यान अगर सरकार की खींचने में जाएगा तो आने वाले दिनों में सूरत कपड़ा बाज़ार को एक नई ऊंचाई मिल सकती है।